हाँ तो हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आए हैं रांची के ओरमांझी, और ओरमांझी में स्पेशल चीज़ क्या है, यहीं पे है रांची वाला जू। इंग्लिश में बोले तो जू और हिंदी में बोले तो चिड़ियाघर। तो वहीं पर हम यहाँ आ गए हैं और मज़ा लेंगे चिड़ियाघर का, आपको भी मज़ा दिलाएंगे खूब वाला। लेकिन एक चीज़ यार, मैं इतना चीज़ कर रहा हूँ किसके लिए, आप ही के लिए कर रहा हूँ यार। तो चैनल पर नए हो यार तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैन को प्रेस कर दो, लेकिन मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सिर्फ हम चलते हैं चिड़ियाघर में, और ये रहा यहाँ का नजारा पहाड़ का। यहाँ हमने गाड़ी को पार्क कर दिया और ये हमारे चंदन भैया आगे से हैं, और हम यहाँ पे जा रहे हैं और मांझी का, और मांझी नहीं रहे रांची का चिड़ियाघर। लाइफ में पहली बार मेरे को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा चिड़ियाघर जू, आज तक मैं कभी नहीं गया यार। आज मैं पहली बार घूमने वाला हूँ रांची का चिड़ियाघर। आवाज मेरा बैठ गया चिल्ला के, क्योंकि आज का दिन मैंने तीन ब्लॉग एक साथ में चला रहा हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा हो गया। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना और लाइक करके जाना। हाँ तो चलिए हम दिखाते हैं आपको रांची का चिड़ियाघर। देखिए अभी बारिश का मौसम है, इसलिए अभी इसका हाल ऐसा है। उधर जाएंगे तो उधर भी एक बड़ा वाला गेट है, तो उधर मछली घर है और चिड़ियाघर इधर है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, बरसात का मौसम है, मतलब बारिश काफ़ी हो रहा है, फिर भी यहाँ पे भीड़ घट में नहीं कर रहा है। देखिए चिड़ियाघर, ये हमारे चंदन भी आगे जाते हो। ये रहा हमारे चिड़ियाघर का गेट, इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। हाँ तो गाइस, मुझे ये नाम पता नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क रांची। ये देखो, तो फाइनली गाइस ये है गेट और ये हम घुस चुके हैं भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। और हमारे जो साथी थे हमको छोड़ के आगे निकल गए, कहाँ निकल के हम देखते हैं कहाँ चले गए हैं यार। हम थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर लेट हो जाते हैं और अक्सर खो जाते हैं। अब प्रवेश द्वार तो हमको उधर दिख रहा है, खोजना पड़ेगा यार किधर खरीदा किधर नहीं। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, ये है गेट भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क का, ये गेट है इधर देख सकते हैं। तो एकदम क्या हुआ उसे, मूड एकदम ऑफ हो गया भाई, क्या है कि एकदम एंट्री टाइम 4 बजे तक ही है, एंट्री अप ऑफ हो गया, सब देखो निकल रहे हैं। आज हम लोग का कपार में चिड़ियाखाना नहीं है, अब कल देखते हैं नेक्स्ट। ले रे बेटा, आज तो कचरा हो गया, सोचे थे मजा लेंगे चिड़ियाखाना का, लेकिन यहाँ का रूल उनको पता ही नहीं था, पहली बार आया ना। यहाँ का रूल ये है कि 4 बजे के बाद यहाँ एंट्री लेना बंद है। अरे मैया मैं कहा करूँ, मेरा भाग्य ही खराब है। सोचे थे घूम लेंगे आपको दिखा देंगे पहली बार, मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं घुसने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं नहीं घुस पाए। चलिए हम बाहर का नज़ारा आपको तब तक दिखाते हैं। ये रहा ये गेट है, यहाँ से हम घुसते हैं बालूजगर पार्क, और इधर आपको देखने को मिलेगा सुंदर सुंदर नज़ारा। हाँ तो गाइस, हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं ले पाए चिड़ियाखाना का, लेकिन जो जो वहाँ पर घुस के अंदर बाहर आए हैं उनसे पूछते हैं कि उनको चिड़ियाखाना का एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो बने रहो यार वीडियो। हाँ तो गाइस, मेरे पीछे ही है वो चिड़ियाघर, मतलब भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। तो आज हमारा भाई को ही खराब है, मोई कहाँ करेगा का एंट्री वहाँ पे 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, हम खुद आए खुद 5 बजे हैं, तो कहाँ करेंगे यार, समझ नहीं आ रहा। ट्राई करते हैं फिर से कल आएंगे और फुल मज़ा आपको देंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग, अगले ब्लॉग नहीं कल ही मिलते हैं, कल इसका मैं फुल से डिटेल दे दूँगा, मैं दोबारा मैं इसका फुल डिटेल में वीडियो कल बना दूँगा। आज मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं खुद 5 बजे आया हूँ और इसका एंट्री टाइम 4 बजे का है, मतलब 4 बजे आप निकल जाओ, 4 बजे तक ही लापताश घूम सकते हो। दिमाग खराब हो गया बारिश में भीग भीग के, हमारा माथा दर्द हो गया, क्या चीज करे भाई, तो ही खराब है। चले मिलते हैं कल, तब तक लव यू भाई। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला।